नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन काल में इत्र तो लगाया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है प्राचीन समय से भारत में इत्र कहाँ पर बनता है? नहीं ना? तो आज आपको मैं भारत की इत्र नगरी कन्नौज के बारे में बताने वाला हूँ। यह शहर अत्यंत पुराना है और ऐतिहासिक भी है। इसका प्राचीन नाम कन्याकुब्ज था। जीटी रोड भी इस शहर से निकली हुई है। अकबर के समय कन्नौज शहर की अहम भूमिका थी। इस शहर में कई जाने माने मंदिर है, एक पक्षे विहार है, गंगा नदी है, स्वादिष्ट गट्टा है, ऐतिहासिक जर्जर किले हैं, प्रसिद्ध मस्जिद और मकबरे हैं। इन सब के अलावा कन्नौज का इत्र तो ही, यहाँ पर कई फूलों और जड़ी बूटियों से इत्र बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कन्नौज लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। कन्नौज भारत की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है, जिसमें समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत है। कांस्य युग के दौरान के कई पूर्व ऐतिहासिक हथियार और उपकरण यहाँ मिले थे। पत्थर की मूर्तियों की बड़ी संख्या यहाँ पाई गई है। इस क्षेत्र में आर्यन बसे हुए थे, जो कुरुस के करीबी मित्र थे। महाभारत युद्ध के अंत तक प्राचीन काल से जिले का पारंपरिक इतिहास पुराणों और महाभारतों से प्राप्त होता है। कन्नौज जिला सार, स्वाद, खुशबू और इत्र के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि बीड़ी उद्योग भी यहाँ पर है और माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे बड़ा बीड़ी सप्लायर है। गंगा तट पर बसा कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ इत्र का कारोबार फल फूल रहा था। कन्नौज को इत्र का डिस्टिलेशन और बनाने का तरीका फारस से मिला था। आज जबकि ज्यादातर पुराने शहरों ने अपनी जड़ों से नाता तोड़कर नया वेश धारण कर लिया है, इत्रों के शहर ने इत्र बनाने की प्राचीन कला को आज भी अपने कलेजे में लगाकर रखा हुआ है। कन्नौज शहर में घूमने के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे कि नंबर एक, लाख बहोसे पक्षी विहार। लाख बहोसे पक्षी विहार कन्नौज मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक विशाल अभ्यारण्य है, जो कि लाख और बसोई गांव में है। 1989 में स्थापित यह भारत में सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य से एक है, जो 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भारत के चुनिंदा पक्षी अभ्यारण्यों में गिना जाता है। यह स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए बेस्ट स्थान है। नंबर दो, गौरी शंकर मंदिर। यह शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। मंदिर प्रांगण में एक बड़ा सा सत्संग भवन है, एक हवन कुंड है और एक सुंदर गार्डन है और कई छोटे छोटे मंदिर भी है। बाबा गौरी शंकर महादेव मंदिर में आप प्रबंध समिति से अनुमति लेकर रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि बाबा गौरी शंकर महादेव मंदिर का शिवलिंग एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसकी पूजा राजा हर्ष काल से हो रही है। नंबर तीन, कन्नौज म्यूजियम। ये म्यूजियम कन्नौज शहर में जीटी रोड पर स्थित है। यहाँ आपको इत्र नगरी से संबंधित तमाम जानकारियां मिल जाएगी। इस संग्रहालय में आपको राजा हर्ष, राजा जयचंद का इतिहास जानने को मिलेगा। कन्नौज में किस तरह इत्र का निर्माण होता है, यह भी इस संग्रहालय में जान पाएंगे। नंबर चार, माँ अन्नपूर्णा मंदिर। कन्नौज शहर से मात्र 13 किलोमीटर दूर पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। स्थानीय लोग इसे सिद्धपीठ कहते हैं। यह 16वीं शताब्दी में बना एक सुंदर मंदिर है। मंदिर परिसर में तमाम खिलौने एवं प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ पर मुंडन भी होते हैं। इस मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ पर बने एक हाथी के मुख में कोई भी जब प्रसाद फेंकता है और यदि वे प्रसाद मुख के अंदर चला जाए तो फेंकने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। नंबर पाँच, मखदुन जाहिन या बावन खम्बा। मखदुन जाहिन कन्नौज के बजरिया सिखाने मोहल्ले में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है और ये काफी ऊंचाई पर बनी है। इस स्थल पर मकबरे और मकबरों की मजारे बनी हुई है। इस इमारत को बावन खम्बों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस इमारत में बावन खम्बे बने हुए हैं। ये पूरी इमारत केसरिया और भूरे पत्थर से बनी हुई है। नंबर छः, माँ फूलमती देवी मंदिर। कन्नौज शहर के इस प्रसिद्ध मंदिर की मान्यता है कि जब माता फूलवती को स्नान कराया जाता है और स्नान कराए हुए नीर से तमाम बीमारियां, खासकर आंखों से संबंधित ठीक हो जाती है। इस मंदिर परिसर में तमाम प्रसाद की दुकानें लगी हुई है। यहाँ पर नवरात्रि में खासी भीड़ देखी जाती है। माता फूलमती देवी मंदिर कन्नौज में मकरंद नगर रोड पर स्थित है। इस मंदिर की स्थानीय लोगों में बहुत मान्यता है। नंबर सात, मेहंदी घाट। यह स्थान कन्नौज शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक गंगा घाट है, जहां श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहां आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के घाट के समीप ही एक बेहद साफ सुथरा मंदिर बना है, जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर घाट के समीप ही एक शिवजी की प्रतिमा बनी है, जिसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। नंबर आठ, लोहिया पार्क। लोहिया पार्क शहर के बीचों बीच में स्थित है। यह शहर का मुख्य पार्क है। यहाँ बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। इसके अलावा भी कन्नौज में ढेर सारे पर्यटन स्थल है, जैसे बालापीर, रामश्रय मंदिर, पंचकुया देवी मंदिर, तामुली मंदिर, गोवर्धनी मंदिर, अजयपाल मंदिर आदि।
कन्नौज सड़क और रेल मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको कन्नौज में कौन कौन से स्थान पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।